अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां रीवा से चलकर भोपाल जाने वाली रिवांचल एक्सप्रेस में नवजात बच्चे के साथ यात्रा कर रही एक महिला यात्री के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला यात्री के साथ अभद्रता का आरोप कांग्रेस के सतना और कोतमा विधायक पर है। विवाद के बाद सतना विधायक ने सफर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। महिला यात्री को जीआरपी की सुरक्षा में भोपाल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक रीवा से भोपाल जा रही रिवांचल एक्सप्रेस की फास्ट क्लास बोगी H1 में मासूम बच्चे के साथ सतना से भोपाल की यात्रा कर रही एक महिला यात्री के साथ चलती ट्रेन में बदसलूकी हुई, जिसके बाद महिला ने भोपाल में अपने पति को फोन पर जानकारी दी और रेल मंत्रालय को ट्वीट पर सुरक्षा की मांग की। महिला यात्री के पति ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के साथ उनकी पत्नी AC फर्स्ट क्लास से भोपाल आ रही थी। बोगी में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ भी यात्रा कर रहे थे। रात में उनके कूपे से जोर जोर से बातचीत की आवाज़ें आने लगी, जिसके कारण बच्चा सो नहीं पा रहा था। महिला यात्री ने जाकर आग्रह किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। दूसरी बार जब महिला आग्रह करने विधायक के पास पहुंची तो वे भड़क गए। इस दौरान उन्होंने अनाप शनाप बातें शुरू कर दी। विधायक पर नशे में भी होने का आरोप है। घटना मैहर और कटनी स्टेशन के बीच हुई। शिकायत के बाद अगले स्टेशन पर जीआरपी फर्स्ट क्लास बोगी में पहुंची। जीआरपी जवानों ने पहुंचकर माजरा समझा और महिला से शिकायत सुनी। इन सब के बीच ट्रेन जैसे ही रानी कमलापति पहुंची, सतना विधायक सिद्धार्थ सफर बीच में ही छोड़कर उतर गए। जीआरपी के जवान महिला यात्री को अपनी सुरक्षा में रानी कमलापति स्टेशन तक ले गए। उनके पति ने उन्हें अटेंड किया। पुलिस पहुंची तो उसने शिकायत ली तो जरूर, लेकिन दर्ज नहीं किया। मामले में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि नशे में धुत रहने के जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वह गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने तो रात में अपने कूप की लाइट भी नहीं जलाई थी, बल्कि महिला को अपनी सीट भी दे दी थी क्योंकि उनके पास एक बच्चा था।